अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से मैं मुआशरा की बुराइयों को बेनकाब करता हूं और बकायदा ऐसे ऐसे मामलात भी सामने आते हैं जिनको देख के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी, अगवा बराए तवान, बताखोरी, ये तो सब चीज़ें एक अलग रह गई, लेकिन एक इंसानी खून, एक इंसानी जान लेना ये कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है। किसी भी चीज़ की अल्लाह माफ़ी दे ना दे, लेकिन कत्ल की माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि जो नाहक कत्ल होता है अल्लाह उसका हिसाब दुनिया में भी लेता है और आखरत में भी लेता है। जिस तरह से बात की जाए तीन ख़वातीन की जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गईं, किसी के चेहरे पर, किसी के सीने पर, बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारी ऐसी दास्तानें हैं जो आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, पैरों तले ज़मीन निकल जाए। ऐसा ही एक वाकया ज़िला शेखुपुरा के थाना डिवीज़न की हदूद में पेश आता है। एक बीवी जिसका हक है, एक बच्चे उस खावंद के, उस बीवी के अपने घरों में रह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खावंद की तरफ से बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, खातून को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हर वफादार खातून की यही कोशिश होती है मैं अपने खावंद को सीधे राह रास्त पर लेके आऊं, क्योंकि जो इरफान था कातिल, इरफान गैम्बलर था, जुआ करवाता था, उसकी बीवी एक नेक औरत थी, एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपने मियाँ को कई मरतबा समझाया कि ये जुए वाला काम छोड़ दो, पुलिस पकड़ लेगी, पर्चा हो जाएगा, बदनामी होगी, लेकिन इरफान जो था वो इस बात से नहीं हटता था कि मैं ये काम छोड़ दूँ। आखिरकार होता क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान आए रोज़ लड़ाई झगड़े, थप्पड़ मारना, गालम गलोच करना, अपनी बीवी बच्चों के सामने, हर ऐसे शख्स के साथ जाके अपने घरों की बातें डिस्कस करनी, दोस्तों में डिस्कस करनी, बच्चों के सामने वालदा को मारना, वालदा के सामने बच्चों को मारना, आखिरकार वो जो लड़की थी, किरण उसका नाम था, किरण ने अपने वालदेन के साथ राबता किया। राबता करने के बाद तमाम कहानी बताई अपनी कि मेरे साथ वहाँ पर यह जुल्म हो रहा है। आखिरकार उसकी फैमिली ने इरफान के साथ राबता किया और राबता करने के बाद शिकायत के लिए, जिस तरह से कोई भी माँ हो जब उसको उसकी बेटी की कोई शिकायत मौसूल होती है कि उसने किसी अपने खावंद की, अपने देवर की, अपने जेठ की शिकायत की है, तो एक माँ ही होती है जिसने बड़े लाड से, बड़े प्यार से उसको डोली में बिठाया होता है और जाती बार उसको ताकीद भी करती है कि यहाँ से तू सही सलामत जा रही है, लेकिन वहाँ से तेरा जनाजा आए। अच्छे लोगों की यही पहचान है, अपनी बेटी को ताकीद करते हैं। लेकिन वो बेचारी ने अरसा दराज से एक जुल्म सितम की चक्की में खुद को पिसवाया, लेकिन अपने वालदेन को बताती नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर जब पानी सर से गुजर गया, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आईं कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। बेटी ने अपने वालदेन को इस बात से आगाह किया। आखिरकार उसके जो भाई थे जवां साला, उसकी जो बहनें थी, उसकी जो भाभी थी, जिस तरह से अमूमन होता है, मैं बताता हूँ कि ख़वातीन रातों को अपनी जेठानियों से, नंदों से, अपनी अम्मी से, बहनों से, ख़वातीन से ज़्यादातर उनकी गपशप होती है, बच्चों के हवाले से, मेरा बेटा पास हो गया है, मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए हैं, इस तरह की गुफ्तगू अमूमन होती है ख़वातीन के दरमियान। तो इस घर में भी इसी तरह से हुआ कि किरण ने जो है वो बताया कि हमारे घर के हालात इस तरह से चल रहे हैं। तो फिर आखिरकार इस घर ने फैसला किया कि वहाँ जाकर तमाम चीज़ों को एक्सपोज करते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस तरह का मामला रोज़ाना ठीक नहीं है। लड़ाइयाँ झगड़े किसी वजूहात पर होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं है, लेकिन खातून थी वो अपने मियाँ को बचाना चाहती थी कि जुए की लत से बाहर आ जाए, बच्चों की केयर करे, रातों को देर से आना। अगर कोई अच्छी खातून ना होती तो उसे फिक्र नहीं थी, वो अपने टेलीफोन पे लगी रहती, वो अपने टेलीफोनों पर लगा रहता, लेकिन उसने अपने मियाँ और अपने बच्चों का ख्याल किया।
और ख्याल करते हुए इस बात को समझाया, लेकिन आखिर उसका नतीजा क्या निकला? 3 यानी कि अपनी साली और अपनी सास और अपनी बेगम को इरफान ने फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यहाँ पर मैं एक अफसोसनाक और भी बात बताऊँ, कत्ल होने वाली जो किरण इरफान थी वो 4 माह की हामला थी, 5 उसके बच्चे थे, 6वां बच्चा उसके पेट में पल रहा था। मैं समझता हूँ कि किरण जो है वो खुद कत्ल नहीं हुई, किरण के साथ वो जो दुनिया में आने वाला चिराग था वो भी गुल हो गया, उसको भी बुझा दिया गया। सास को गोलियां मार दी गईं, ये 3 नहीं 4 कत्ल हैं, एक बच्चा उसके पेट में भी था जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुदई मुकदमा भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले उन खवातीन से बात करना चाहूँगा जो आज भी अपनी वालदा के, अपनी बहन के गमों में जो है वो रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, आला अफसरान से अपील कर रही हैं हमें इंसाफ दें। इंसाफ कौन देगा? मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया, मुलजिम को किसी ने पेश करवाया? मैं मुदई मुकदमा से भी बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा उनकी सिस्टर से जो मेरे साथ लेफ्ट हैंड पर बैठी हुई हैं, और ये राइट हैंड पर उनकी जो है भाभी बैठी हुई हैं जिनके साथ अमूमन टेलीफोन पे कभी कभार डिस्कस हो जाया करती थी। बाजी, सबसे पहले तो मैं कोहिनूर टेलीविज़न चैनल की जानिब से आपके साथ इस बात का मेरी बहन अफसोस करूँगा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 3 जनाजे इस घर से उठे हैं, और जिस घर से 3 3 जनाजे उठते हैं उस घर के अंदर क़यामत बरपा हो जाती है। अगर किसी के घर में 4 पहिए खाली हो तो दिलों को होल पड़ते हैं, इस घर के अंदर से 3 3 4 पहियाँ खाली हो गई। आखिर वो बच्चे जो छोटे छोटे थे वो भी दरबदर हो गए, बाप जो है हवालात में चला गया, माँ जो है कब्रिस्तान चली गई, सारी चीज़ें ज़रा मुझे बताएं कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। लड़ाई करके उसने ना उसको भेज दिया जाओ, फिर अम्मी ते मेरी भैना मनान ली के चलो कोई गल नहीं जाओ तुसी कोई गल बात करो, मैं भी नाल ही सहन ना दे असी बैठे गल्लां कीतियां ने कि चलो रफा दफा करो लड़ाई, अम्मी उन्हें बच्चे भी नहीं भेजे उन्हां तो बगैर नहीं रहिंदी ते किस तरह रहेगी इत्थे ना, ते उन्हूं कहा कि चलो कोई गल नहीं। वो गए ने भाई नाल ही सी पिछे पिछे, उन्होंने कहा तुसी जाओ रिक्शे च मैं आ रहे हैं। एक भाई उत्थे ही हैगा सी शेखूपुरे वड्डा जरा सब तो वड्डा ना, मेरे तो छोटे ने सारे तो वड्डा गा सी वो उत्थे ही है। बाजी यानी कि इस घर च जिहड़ी वड्डी सी वालदा तुहाडी वो मर्डर हो गई, उस तों बाद हुण वालदा दी जगह ते तुसी हो क्योंकि सारियां भैणां दे विचों तुसी वड्डे हो, अल्लाह तुहानूं सबर दे। बस अल्लाह ही सबर देगा भाई, बस छड़न गए ने कि भाई चलो लड़ाई झगड़ा खत्म करिए, बच्चे नहीं रहते माँ तो बगैर, उन्हें बच्चे नहीं ना भेजे नाल, फिर लैके गए ने कि चलो सुलह सफाई करा लो। पता नहीं चलिया कि की ओरा इरादा सी की नहीं सी, उन्हें कह रहे मेरे राज कोई दस देगी या मेरी कोई गल्ला, ऐसे लिए तो फोन नहीं सी हैगा ना और कोल फोन। नाजरीन मैं आपको बताऊं कि खातून को टेलीफोन इसलिए नहीं दिया गया था कि जो इसकी नकलो हरकत हैं, जो इसके मकरू धंधे हैं, जुए कराना, नशे करना, महफिलें जमाना, उबाश नौजवानों के साथ फिरना, ताकि मेरी बीवी मेरी शिकायत अपने वालदेन को ना करे, इसलिए उसको मोबाइल फ़ोन देने की बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ममानत थी। लेकिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होता था या उसके मियाँ के खुद इरफान के पास मोबाइल फ़ोन होता था। अच्छा जी, जब ये बाजी लड़के घर आई है, घर में आके आपने उसको क्या वजूहत पूछी? पूछा ना अम्मी ने, मैं तो बड़ी ना मेरे से डरती थी तो अम्मी को बताया उसने, फिर अम्मी ने मुझे बताया ना कि ये इसको लड़ाई हुई है, ये इसको इरफान मारा उसने ना, उसने उसके फोन पे कुछ देखा है, उसने यहाँ पे उसको नील किए हैं ना बाजू पे, यहाँ पे उसको मुक्के मारे हैं, ये चीज़ उसकी स्वेलिंग हुई थी सारी,
प्रेग्नेंट का निशाना बनाया ये नील सारे बाजू पे उसने दिखाए है ना, बच्चे थे ना मेरे। जब घर आई है उसने आगे सारा बताया कि ये देखो मेरे बाजू पे भी जो है वो तशद्दुद किया गया, गर्दन पे भी स्वेलिंग है। हाँ जी, अम्मी को बताया ना, फिर अम्मी ने मुझे बताया, वो मेरे बच्चे थे उनके सामने नहीं ना बता दी कि वो आपके बच्चे बड़े। हाँ जी, कि वो उनका मकसद ये है कि कोई कत्ल वगारत ना हो जाए, वो देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा ना बढ़ जाए। नहीं, उनको तकलीफ होगी कि उनकी मासी को इतनी तकलीफ। ऐसे भी होता है कि जब देखा जाता है ना खाला को किसी ने मारा तो फिर वो कहते हैं जी नजायज मारा, फिर लड़ाई झगड़े। खवातीन जो है होती हैं नाजरीन, वो अपने मर्दों को चाहे वो उनका खावंद हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका भांजा हो, चाहे भतीजा हो, कोई भी रिलेटिव मर्द हो, उनके सामने लड़ाई झगड़े की बातों से गुरेज करती है ताकि कहीं ये ज़्यादा जो है वो इस बात को तूल ना दिया जाए या कोई ऐसी आग मजीद और ना बढ़ जाए। इसलिए जो इनके बच्चे थे वो इस बात से बड़ा गुरेज करते थे, ये भी लोग गुरेज करते थे कि उसके सामने बात नहीं करनी। जी बाजी, फिर भाई उन्होंने दसिया कि अंजन जिन्हों मारे ईरम ते और नील पाए ने, उन्हें क्या दिखा भैन न। फिर उन्हें मैं दिखाया, मेरा मूँह किता देखा इंज स्वैलिंग हुई। मैं क्या चलो मैं की करिए, फिर दसो बात तो सा। कितने दिन ये यहाँ पर रह के गई है? तीन दिन हुए थे, तीन चार दिन ही। अच्छा, माँ इधर थी और बच्चे शेखुपुरा थे। हाँ जी, तो बच्चों के बगैर वो रहती नहीं थी। तो वो इसलिए कहती होगी फिर मुझे वहाँ छोड़ा ताकि मेरे बच्चे भी मुझे मिले। वो छोटी बच्ची ही 2.5 साल दी, और भाई और तो बगैर किस तरह रहेगी, तुसी दसो ना माँ तो बगैर। तो उन्हें नहीं भेजे बच्चे, फिर गई आए असी क्या चलो मना कोई सुला सफाई हो जाए तो बच्चिया वापस चले जाए। सानू नहीं सी उरे इरादे का पता ना, क्योंकि दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, सानू पता होंगे तो असी उन्हें एक कदम नहीं सी जान देना। एक कदम की होंगे कि भैन इतें ही रह साढ़े कोई गल नहीं सारी जिंदगी, लेकिन सानू उरे इरादियां का नहीं सी पता कि वह इन्ना कोने के आना है कि हूँ इन्हें सारिया जाके गल्लां दसियां कि जो जो मैं करतूता करता रहा इन्हें दसियां। ते ओ, 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 उस वजह तो उन्हें यह कदम चुकिया क्योंकि और ही हकीकत है, हूँ सारी दुनिया सामने आ ही रही है ना, अल्लाह दिखाता है बुरे कम्मा का बुरा नतीजा है। लेकिन सानू नहीं सी पता कि पहले इंज दा हैगा सी, पता होंदा ते बाजी बहन तो चली गई, अम्मी भी चली गई, माँ के हवाले से क्या कहोगी। माँ थी, प्यार करती थी, सारे कुंबे को संभाला हुआ था, अपने बच्चों की तमाम चीजों को वो देखती थी, नजरअंदाज भी करती थी। माँ तो चली गई, माँ से आखिरी बार क्या गुफ्तगू हुई? बस यही हुई, मैं जा रही हूँ तो चलो मैं आनी हूँ। मैं क्या चलो अम्मी ठीक है खैर ना लाना, पता नहीं आना भी सी के नहीं, पता नहीं। पहले सोची पे ने बैठे ने मंजी ते ना इस तरह हाथ रखे सोच रहे ने, फिर कहंदे चलो पुत्र जाना तो है ही ना, किन्ने दिन किसी के भरावान घर या भैन घर कितने दिन रहा जाता है। तो नाले दुनिया ना, दुनिया रखनी बड़ी मुश्किल है भावे, दुनिया रखनी बहुत मुश्किल है, दुनिया नू वेख वेख के ही असी और हो गए। जो आपकी तीसरी बहन थी वो जो साथ मर्डर हुई है उसके हवाले से आपका क्या कहना, उसके साथ भी आपकी गपशप होती थी? वो तो मेरे हम साथ थी ना, वो तो मेरा साथी सी, वो तो मेरा साथी सी, और नाल तो मैं कभी भाई बाहर नहीं गई, मेरा सारा कुछ मेरे बच्चियां नू संभालिया छिला सारा वो करती सी, मैं तो कभी बाहर ही नहीं गई। मेरे हर सारे घर के काम वो करती, मेरे बाहर के काम वो करती, मेरी चीजा बच्चे वड्डे होए हूँ मैं इछरे और इछरे नाल असी रह लग गई हाँ। मैं क्या मैं कितने घर नहीं लैना, सिर्फ ओरे को लैना, क्योंकि मन तो किसी जगह का पता ही नहीं, वो भी मेरे असी पढ़ता ही सारिया भैन कहानियाँ। चलो जी, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा, मेरे साथ यहाँ पर उनकी भाभी भी मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे, इसके बाद मुदई मुकदमा की बात सुनेंगे, जो मुकदमे के हवाले से हमें बताएंगे। जिस तरह से मैंने बताया था कि इरफान ने ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया है बल्कि इरफान ने अपनी एक साली को भी कत्ल किया है और अपनी सास को भी कत्ल किया है। 4 माह की ये हामला थी जो कि किरण थी और इसके 5 पहले भी बचे थे। बच्चे जब ये छोड़ के शेखुपुरे इधर आई थी तो 4 दिन नहीं गुजरे, एक माँ थी ना, माँ का कलेजा क्या होता है ये माँ ही जानती है।
बच्चों की याद आ रही थी, फिर आखिरकार कहा अपने फैमिली से कि मेरे साथ चलो और मुझे वहाँ छोड़ आओ, मेरी सुलह करवा दो। सुलह करने के लिए शेखुपुरा जाते हैं तो उसका जो जलाद दरिंदा, दरिंदा वही होता है जो खून पीता है, इसने भी ऐसे ही किया, एक नहीं दो नहीं तीन तीन कत्ल किए, बल्कि चार चार कत्ल किए। एक हामला खातून के पेट में जो बचा था उसका भी ये कातिल है, उसकी भी इसको सज़ा मिलेगी, उसका भी इसको जवाब देना पड़ेगा, ये अल्लाह की अदालत में पेश होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा, किन उंगलियों से गोलियाँ चलाई गई हैं वो उंगलियाँ भी बोलेंगी, हर चीज़ बोलेगी जिसका इस्तेमाल किया गया इंसान को कत्ल करने के लिए। मज़ीद भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम दिखाते हैं, खैर लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। बच्चों के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बता चलूँ कि सबसे पहले तो जो है वो इब्रार, रेहान, आयशा, तहरीम और आयज़ा, ये लोग उसके पांच बच्चे थे जो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लड़की जब वहाँ जाती है तो लड़की को कत्ल कर दिया जाता है। मैं चाहूँगा कि उनकी भाभी की जानी भी चलते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ फिर उसी जगह पर जिस तरह से मैंने बताया था कि इरफान की लड़ाई झगड़े की जो वजूहत थी वो यही थी कि दो तीन दिन से घर नहीं आया था। वफादार खातून ने कहा कि घर क्यों नहीं आए, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ और आखिरकार उसको मार पीट कर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया गया और वह अपने वालिदैन के घर आ गई, लेकिन बच्चे उसके साथ नहीं आए थे, बच्चे वहीं बाप के पास मौजूद थे, वालदा के पास उसकी मौजूद थे जो कि बच्चों की दादी लगती है, तो वहीं पर बच्चे थे। लेकिन जब यहाँ पर किरण आई तीन चार दिन के बाद उसके कलेजे को, उसके दिल को खींच पड़ने लगे कि मैं बच्चों को जाके मिलूं, आखिरकार वो अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ चली जाती है जहाँ पर उसका इब्रार, रेहान और उसकी बेटी आयशा, इसके अलावा तहरीम और आयज़ा, पाँच बच्चे जो हैं वो उसके वहाँ पर मौजूद थे। जब वो पहुँचती है तो उसका खामंद आता है और आकर तलख कलामी करता है, इसीलिए वहाँ पर ये लोग गए थे और वहाँ पर जाकर मामूली तलख कलामी हुई और गोलियाँ चलीं। खामंद ने बीवी को भी कत्ल कर दिया, अपनी साली को भी कत्ल कर दिया, अपनी सास को भी कत्ल कर दिया और ये फायरिंग करता हुआ मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मेरे साथ यहाँ पर किरण की भाभी मौजूद हैं जो कि किरण के साथ उसका बड़ा लगाव था, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अपनी बातें भी कर लेते थे। उनकी जानिब चलते हैं, उनसे भी जानते हैं सारे हालात वाकयात के क्या बातें थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रफ़िया इरफान। रफ़िया इरफान, रफ़िया मुझे ये बताएं कि जिस तरह से किरण के साथ आपकी गपशप भी होती थी, क्योंकि जो भाभियाँ होती हैं ना वो माएँ होती हैं, और कौन से साल में आपकी शादी हुई? मेरी शादी को 18 साल हो गया। जब आपकी शादी हुई थी तो किरण की शादी हो गई थी या होने वाली? नहीं नहीं, मेरी शादी के बाद हुई है, उसके तकरीबन 3 साल बाद शादी हुई है। यानी कि उसकी खुशियों में भरपूर आपने उसका साथ दिया, उसके एम्ब्रॉयडरी कपड़े, उसकी दीगर चीज़ें, ऐसे चूड़ियाँ, ऐसा जेवरात, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि उसको पसंद थी आपके साथ वो बातें शेयर करती थी। जी क्या हुआ था? ठीक, शादी सारा कुछ ठीक हुआ, वो भी उससे बड़ा प्यार करती थी, इरफान भी बड़ा प्यार करता था, ये बात नहीं है, वो आता था बातें करता था, इन भाइयों ने कभी कुछ नहीं कहा था कि इरफान फिटे मुँह तेरा तो ऐ कीता या ऐ कीता, यानी मेरी साड़ी भैन रुस रुस के आंदी है हमेशा, और इज्जत ही कीती, पर गलती होगी, इज्जत भी नहीं सी ना करनी नहीं चाहिए। दमाद जो होते हैं फिर वो जो अच्छे लोग होते हैं ना दमादों की इज्जत करते होते हैं। बड़ी इज्जत कीती इरफान, बड़ी तेरी इज्जत कीती, ऐसी असि क्या गुस्से मर्दा नहीं आते ने, मर्द ही सिर चढ़ के बोलते ने। लेकिन इस तरह गुस्सा तो ना हो गया, तीन दिन लाशा बोलती नहीं, लाशा तो असि सोच भी नहीं सकते सना, सोच भी नहीं सकते सा, लड़ाई हुई सुलह करती भेज दिता, चलो कोई गल नहीं इरफान तुम्हें, वह भी एक फोन करता हों ना लड़के, अगर किरण ने कभी आना तो किरण ने कहना मैं जा रही हूँ, इरफान का फोन आ गया। किरण के साथ इरफान का प्यार भी बहुत था। हाँ जी। लेकिन इस हद तक आपको यकीन नहीं था कि कत्लों गारत होगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो भी पागल तरह प्यार कर दी सी, उन्हें एक फोन करना, किरण ने कहना मैं जा रही हूँ, गड्डी भेज दी, मेरे मियाँ का फोन आ गया, फोन आ गया, चल किरण दो दिन रह लै, कुछ नहीं होंगे सू पता है, तू चली जाना और लड़ाई तो तुम एवं ही लड़ते हो, शायद तेरे च बहुता प्यार है इसलिए लड़ते हो, तुम इरफान भी समझाने होने स सुनता हों, मेरे मियाँ की सुनता सी, अपने भरावान की सुनता सी, सारे
ਦਿਓਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੁਛ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਇਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਮੇਰਾ ਕੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਥੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਥੀ, ਉਸਕੀ ਬੱਚੀ ਥੀ। ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ 19-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਯੇ ਉਲਾਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਕੀ। ਉਸਕਾ ਮੀਆਂ ਕਿਧਰ ਹੈ? इचरे में रहते हैं, अभी आता है चला जाता, आता है चला जाता, पागलों की तरह सड़कों पे घूम रहा है। उस दिन का कोई घर का ठिकाना नहीं है उसका, उसकी बच्ची है, उसको देखता है चला जाता है, बच्ची को देखने आता। वो भी सोचता होगा ना, मैंने अपनी बीवी को क्यों भेजा इनके पास, वो कत्ल हो गई। बहन थी, बहने थी, माँ थी, उसने कभी रोका ही नहीं था किसी मामलात में। हमारे इम्तियाज भाई ने कभी नहीं रोका। आधी रात है ना, मेरा फलाने नु कुछ होया ही तेरे भरा नु, उन्हें नहीं कहना 1 बजे इम्तियाज उठ, मैं फोन आया है। अल्लाह जिंदगी दवे इम्तियाज भाई नु, उससे टाइम लैके आंदा सी। अम्बा जी कदी जिंदगी च बाजार नहीं गए, बच्चे किन्ने बच्चे ने, माशाला वड्डा बच्चा 21-22 साल का ही है। इरमा जी का हर काम उन्हें किया, सब तो छोटी बच्ची तो हूँ 12-13 साल की है। उन्हें अपने भैन भरावान मैरा ने सारे काम किए ने। असी इरफान को कभी फिटे मूँह नहीं किसी जवाई नु नहीं किया। और छोटी जी बच्ची रुल गई 9 साल की, और की है अरे बच्चे तो कोई ना कोई संभालेगा। अरे इन्ने भैन भरा ने, खानदान सारे संभालेंगे, और बच्ची का कौन सी। तेरी बुढ़ी ना लड़ाई हुई, मानने असी तेन हमेशा क्या ठीक है इरफान, ठीक है इरफान, तेरे ना ठीक ही किया कि जवाइया ने की बात, क्योंकि असी धी वसानी है, असी की बदतमीजी करके करना सी तेरे नाल। गुस्से आंदे ने, कुछ नहीं हुंदा किरण, किरण कुछ नहीं हुंदा। फिर बस की धी नू समझा समझा के, धी हथी मरवा बैठे हैं, समझा समझा के। शेखुपुरे जा रहे हैं, आपसे मिलके गई है? नहीं, वो इच्छरे अम्मी गए थे ना बड़ी बहन के बेटी के पास, हमारे पास नहीं थे। अच्छा। तो जब लास्ट टाइम पिछले 4 माह पहले भेजा ना, तब मैं मुझे मियाँ ने फोन किया कि किरण आ रही है, तो उन्होंने समझा, मेरी सुनते हैं, मैं बड़ी भाभी हूँ, मेरे सारे, ये मेरा बड़ा जेठ है, सब मेरी मानते हैं। कोई बात हो मैं आके खड़ी हो जाऊँ ना, नहीं इंज नहीं खुरम भाई, इंज होना जी ठीक है भाभी, कदी दूसरी आवाज ना नहीं उन्होंने मैंने किया। मेरे किसी भी दियोर ने दूजिया भाभियों की मनन ना मनन, लेकिन मैं इन्ना पता जिते मैं खलोई है ना, मेरी ननान जड़ी मैरा, वह भी मेरी बड़ी मानती होंगी सी, बड़ी मानती होंगी। अब हमारा की बेटी किसके पास है? इधर ही है, हमारे पास ही है। उसके पापा घर नहीं जाता, इधर से जाता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से घूमता अपनी गली से आता है, इधर आ जाता है, बेटी इधर ही है उसकी। उसकी बेटी से भी हम बात करेंगे यार, अगर बेटी है तो उसको भी बुला लो यहाँ पर। लेकिन अच्छा, वो परेशान होगी, बड़ा रोएगी वो। हमने उसको उसको जब पता चला ना मामा को उधर ऐसे हो गए, उसको नहीं बताया ना, तो वो सारी रात खाया नहीं, पानी नहीं पिया, नहीं मेरी मामा आ रही है, आ रही है, आ रही है, हेमन आ रही है मामा। हमने उस हालत में नहीं उसको दिखाया, जब सुबह गुसल करा लिया फिर एक दफ़ा दिखाया कि हेमन इतनी समझदार है कि इस हालत में बंदा अल्लाह पास चला जाता है। हेमन एक दफ़ा मामा को देख लो, कहती उधर क्यों देखने जाऊँ, मामा घर आए, मैं बाहर मामा को क्यों देखने जाऊँ, हेमन एक दफ़ा आ जाओ। जबरदस्ती मैं उन्होंने माँ का मुँह विखाया कि उन्होंने पता चल जाए इस हालत से मामा ने वापस नहीं आना ही, मेरी मामा ने वापस नहीं आना ही। बड़ी गमजदा कहानी है, जिस तरह से बताया गया भाभी की जानिब से भी कि इरफान जब घर आता था, इरफान की मुकम्मल तौर पर जो है वो रिस्पेक्ट भी की जाती थी, मुकम्मल तौर पर उसको प्यार मोहब्बत भी दिया जाता था, लेकिन शेख इरफान के हवाले से पहले लेके गया है। मैंने इरफान को समझाया है, समझा है, पता नहीं कि इसकी बातों में आया है या क्या उसके दिमाग में आया है, मुझे पता होता मैं खुद मैं उसके घर जाती थी, ये कोई बहने जल्दी नहीं जाती होती थी, मैं जाती थी। एक दफा मैं गई, उसकी सास ने कहा नहीं तू तेंज में करो, लड़की आई है। मैं क्या क्यों आंटी, कहने तेरे बुरखे नु कट्टा लगा है, तो मैं क्या शायद रिक्शे च बैठी पिछले लग गया होना, मैं
किरण हुण तेरी कोई नहीं सी ना आंदा इन्हां गल्लां दी वजह तो शायद मां भैण नहीं सी जांदियां कि सस गल्लां करदी सी मैं क्या किरण हुण नहीं मेरा दिल करदा मैं नहीं आना मैं छड्ड दित्ता जाना फोन ते तेरी सस गल्लां करदी है किरण ने ओहदी मां ने उहने कहा भरजाई लड़की इत्थे आ गई है मैं मेरे ते ना कदी दियोरा ने फिटे मैं कोई ना कदी बंदे ने फिटे मूं क्या असीं किरण नाल लड़ना सी अल्लाह जिंदगी दवे मेरे दियोरा नूं मेरे मियां नूं इन्हां ने कदी किसे नूं नहीं कुछ किया भैड़े मूंह भी नहीं इन्हां दे हौसले नहीं इन्हां दा प्यो बीमार हुंदा सी ना ते मैं हस्पताल जानी सी बाहर गड्डी च बैठे हुंदे सी सास के साथ कैसा रवैया था आपकी सास कैसी मेरी सास बहुत बच्चों से प्यार करने वाली सबसे गुस्से में आ जाती थी लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसी हो जाती थी अम्मी एन जम्मी सारे बच्चे आप तस्वीरें देखें बच्चे हर एक तस्वीर पे अम्मी के साथ पाँच पाँच बच्चे होते हैं कोई तस्वीर आपको अम्मी की अकेली मुश्किल से ही मिलेगी पहली अगर कोई हुई तो सास के साथ बड़ी मोहब्बत ही सहेलियों जैसा प्यार था ऐसे ही थी ऐसा से सारी अच्छी होती हैं हम लोग अम्मी करती खाना पकाना वो बनाती थी लियाओ मैं पकावा सेन में चूल्हा लगती थी यानी कि घर की सरबरा थी वो खुद खाना पकाती नहीं नहीं मसलन कि आज अच्छी चीज बनानी है चलो इकट्ठे खाने हैं जिस तरह से लोग कड़ी पका लेते हैं साग पका लेते हैं पकानी है मैं पकानी है सारे बह के खाने हैं सारा कुछ अच्छा होता से सारा कुछ अच्छा होता से पता नहीं लेकिन बच्चे तो रुल गए ना किसे दा कुछ नहीं गया एक बच्ची मासूम रुल गई और ये बच्चे रुल गए किसे दा कुछ नहीं गया सब खांदे पींदे सब कुछ हुंदा पे दुनिया ते पर जो मेरा ना होया ना वो गलत हो गया ऐमन का क्या बनेगा ऐमन को हम रखेंगे और क्या बनना है उसका मेरा बड़ा प्यार था मेरा के साथ बड़ा था उसकी बच्ची मैं रखूंगी मामी मेरी मामा आ रही है मैं खाना खाऊंगी मामी मेरी मामा आ रही है मामी मैं मामा उठो उधर जाके मामा उठो हम फटाफट उसको ले आए उसके दिल को कुछ होने गया उधर से उसको फिर दिखा के वापस ले आया बस मेरे साथ यहाँ पर भाभी मौजूद थी जिनका कहना था कि हमारी मोहब्बतें इस घर के साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहेंगी लेकिन जो हुमैरा थी जिसको मर्डर कर दिया गया जो कि इरफान की साली थी जो अपनी वालदा के साथ अपनी बहन को छोड़ने के लिए शेखुपुरा गई थी क्योंकि जो किरण थी वो नाराज़ होकर लाहौर आई हुई थी और लाहौर से जब उसको वापस छोड़ने के लिए एक माँ और एक बहन जा गई जब वहाँ पर पहुँची वहाँ पर क्या तलख कलामी हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा किस बात पे तलख कलामी हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा मज़ीद मैंने बताया भी है और भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन वहाँ पर गोलियाँ चलीं घरों में इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़े अमूमन हो जाते हैं लेकिन गोलियों तक बात नहीं आती कि गोलियां चल जाएं तो अगर गुस्सा बीवी पे था तो बीवी को डांट डपट कर लेते लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि बीवियां जो हैं वो घर की इज्जत होती हैं और अपनी इज्जतों को इस तरह से बाज़ारों में नलाम नहीं किया जाता गाली गलौज नहीं किया जाता तो खावंद की जानिब से बड़ा एक गलत इकदाम उठाया गया अपनी बीवी के साथ साथ अपनी सास को भी गोलियाँ मारी फिर उसके बाद अपनी साली को भी गोलियाँ मारी अगर हुमैरा की बात की जाए तो हुमैरा की एक 8-9 साल की बेटी है जिस तरह से भाभी ने बताया कि ऐमन उसका नाम है वो पागलों की तरह बेचारी कहती है कि मामा किधर है मामा किधर है उसका खामंद इस घर के चक्कर लगाता है उस बेचारे का क्या कसूर था उसकी बीवी इच्छरा से यहाँ पर आई है और अपनी बहन को साथ लेकर छोड़ने के लिए गई है लेकिन वो वापस नहीं आई वापस वो आई है तो लाश की सूरत में वापस वो आई है तो एक मुर्दा हालत में एक नहीं बल्कि 3-3 जनाजे आए हैं इस घर के अंदर बड़ी परेशानी का आलम है इस घर के अंदर मैं चाहूँगा कि मुदई मुकदमा की जानिब भी चलते हैं उनसे भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद मुदई मुकदमा की जानिब चलते हैं लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जिसका अपनी दादी के साथ बड़ा लगाव था दादी के साथ सोना दादी के साथ पीना दादी के साथ उठना बैठना दादी के साथ सफ़र करना ये हर काम में दादी के शाना बिशाना चलता था और दादी इसके साथ अपने पूरे ख़ानदान सबसे ज़्यादा इसे प्यार करती थी लेकिन सबसे पहले मैं मुदई मुकदमा की जानिब चलूँगा जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और मुदई मुकदमा से जानते हैं कि ये सारा मामला क्या था मेरे भाई मुझे ये बताएं आप ट्रिपल मर्डर के मुदई हैं एक नहीं दो नहीं 3-3 कत्लों के आप मुदई हैं क्या ऐसा वाकया पेश आ गया कि ट्रिपल मर्डर का मुदई बनना पड़ा कौन से ऐसे हालात बन गए कि गए थे बहन को बसाने के लिए लेकिन वहाँ से 3-3 डेड बॉडियाँ लेके आए हो मुझे ना 2:30 कॉल आती है बहन की मैं काम पे था ठीक है 2:30 मुझे कॉल आई है मैंने सुनी है
मैंने कहा भाजी क्या बात है, उसने कहा जी दुकान बंद करके शेहपुरे आ जाओ, ठीक है, उधर बैठ के ना बात करेंगे, इरफान ने ना बहुत गलत बातें की हैं, ठीक है ठीक है। मैं कहा आप ना मेरे घर चलो, मैं उधर आता हूँ आके, मैं मेरा घर भी उधर ही है शेहपुरे में है, ठीक है ठीक है। मैं कहा तुम उधर आइयो, वो मैं उधर तानू आके ना एक घंटे बाद मैं तानू मिल लेना, ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा नहीं असी सीधा उधर ही जाना, ठीक है। उन्होंने सी पता कि अगे जाते हैं यह काम होना, ठीक है ठीक है। साढ़े जान पहुँचने तो पहले पहले जरा ना उन्हें पहले मेरी वालदा नु मारिया, फिर मेरी छोटी सिस्टर नु मारिया, अपनी बेगम नु गोलियां मारिया, ठीक है। गोलियां तो बाद फिर मेरी दूसरी जड़ी सिस्टर है उन्हें गोलियां मारिया ने, ठीक है। जिनी देर असि उत्थे पहुंचे हैं एक साड़ी भैन हॉस्पिटल चले गई है, एक दिन मंजी कट के ना लाश बहर लैके आ रहे हैं पुलिस वाले ते नाल महल्लेदार ते नाल साडे कज़न, ठीक है। मैं उत्थे जाके उन्होंने रोक दिता कि भाई ये इत्थे ही रख दो, ठीक है, हाले नहीं चुकना, ठीक है। फिर एस एस ओ साहब आए ने, उन्होंने कहा नहीं जी चलो इन्होंने लैके चलीए, एस एच ओ ए डिवीजन, ठीक है। उन्होंने फिर असं इन्होंने लैके गए हैं उत्थे, ठीक है। साड़ी भैन ने वैसे ही जरा ना साढ़े ना बहुत गलत होया, जुआरिया सी शराबिया सी, ठीक है, बहुत तरह से ऐप गैप सी जड़े असी साड़ी भैन ने लुकई रखे, तो असी साढ़े ना उन्होंने कभी गल नहीं सी की, क्योंकि भरावान ने नहीं सी करती है किधरे वह ना आए, कि मेरा पता सी कि भरा मेरा जरा ना वह जो है कि किधरे वह ना आए जाके हथों पाई हो लड़ाई हो, फायदा कोई नहीं। हर वारी असी अपनी भैन ने समझाया कि भैन मेरी है सुलाई रख बच्चे है, असी बच्चों की वजह तो असं उन्हें कुछ नहीं सकते, ठीक है असं उन्होंने फिर कह दें सर कि अच्छा यार कोई गल नहीं, जो उन्हें की ना तू भी घट नहीं की है, ठीक है, तू भी अपने आप को कंट्रोल कर वह भी करे बच्चों देखो, तुम अपनी लड़ाई ना देखो, ताकि 14-15 साल हो गई है शादी न, ठीक है। असं अज तीकर ताकि गल के नहीं बोले, ठीक है जो साढ़े बाला साहब से असी उदों नहीं किसी ने बोले आ, लड़ाई नहीं कभी की किसी ना लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब आप साड़ी लाडली सी साढ़े दिल की जान सी, ठीक है। साड़िया दोवें भैन साढ़ा एक नहीं साढ़िया तीन दिन मावं गई ने, साढ़िया तीन दिन मावं गई ने, सानू इस बात कुछ नहीं, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ मिलेगा साढ़े दिल में सुकून होगा, सानू पता कि असं किमें अंदर अपने आप को घुट गए तो ऐसे में बैठे हैं, सानू पता। एक मेरे साथ यहाँ पर एमन बैठी है बच्ची, उसकी वालदा भी इस में मर्डर हुई है, जो अपनी बहन का घर बसाने के लिए जा रही थी, फिर उसके बाद इनकी जो वालदा थी मुदई मुकदमा की, और एक और खातून जो थी जो इरफान की अपनी बीवी थी, तीन माएँ इस घर से गई हैं, सारा ख़ानदान बड़ा अफसरदा है, बड़ा परेशान है। मुझे ये बताएं कि अब क्या चाहते हैं, क्या अपील है वज़ीर आला पंजाब से, किसे अपील करना चाहते हैं, कौन से ऑफिसर से करना चाहते हैं, मुलजम को कितने दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था? मुलजिम को अगले दिन जब हम दफना के आए हैं ना, ठीक है, उसकी शाम को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं बताया कि हमें कहाँ से गिरफ्तार किया, किधर से किया, क्या किया, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी ये देखे हमने गिरफ्तार इसको कर लिया, किसी पार्टी ने उसको पेश तो नहीं करवाया, ये हमें नहीं पता, हमें तो किसी ने नहीं बताया। जब हम दफना के आए थे ना, उनके SHO साहब के रिटर का मुझे फोन आया था, ठीक है, कि जी मुझे कल शाम को आपने मिलना। मैं कहा जी 3 बजे हमारे कुल है, ठीक है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद उस रिटर का मुझे फोन नहीं आया, ठीक है। जब वो पकड़ा गया ना, किसी ने मुझे फोन नहीं किया, किसी थानेदार का या SHO का या किसी ने बताया कि हाँ जी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तस्वीरें हमें भेजी हैं शाम को जाके कि जी हमने इसको पकड़ लिया, ये देख लें, ये आपको तस्वीरें भेज रहे हैं हमने, ये इसका पिस्तौल भी पकड़ लिया है, ये भी पकड़ लिया, ठीक है। हमें तो सिर्फ चाहिए इंसाफ। मरियम नवाज साहब आप सुन ही रही होंगी, आप देख ही रही होंगी, ठीक है, हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारा एक नहीं, हमारी 3 माएँ गई हैं, ठीक है, हमारी 3 जनते गई हैं,
जिनके दर से हम चल रहे थे, जिनकी दुआएं से हम चल रहे थे। आपके तीन तीन अफराद घर के चले गए, चले गए हमारे घर की, उसके बावजूद भी पुलिस आपसे पैसे मांग रही है, पैसों का तकाजा कर रही है, 50,000 दे भी दिया है। ऐसे ही है नाजरीन, बड़ी दुख भरी कहानी है ये। तीन तीन खवातीन को मर्डर कर दिया गया गोलियां मारकर। आखिरकार पुलिस ने फिर अपना रवायती हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया और सरकारी कागजों के एवज इनसे लाख रुपए की डिमांड की। और थानेदार साहब, अल्लाह आपका भला करे, आईजी साहब अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, मैं इस थानेदार को दुआई दे सकता हूँ कि ये कैसा जालिम थानेदार होगा जिसने तीन तीन खवातीन के मर्डर में इनसे 50,000 रुपया भी लिया है। और कातलों को तो लोग दिलासा देते हैं, कातलों को जो लोग इस बात के जिनके कत्ल हुए होते हैं उनको तो लोग मोहब्बत करते हैं और कातलों को सज़ा मिलती है। और आपने मुदई मुकदमा की फैमिली को अपनी कहानी सुनाकर मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको जेल भेज दूंगा, जेल तो वो पकड़ा गया तो जाने जाना है, 50,000 रुपये आपने ले लिए। खुदा का आपको खौफ आना चाहिए थानेदार साहब कि आपने इस घर से 50,000 लिए हैं, जिनके घर में मौतें हुई हैं, जिनके घर में कत्ल हुए हैं, जिनके घर के अंदर परेशानी का आलम है, जिनके घर के अंदर वीरान हुई है दीवारें उनकी, उससे आपने 50,000 ले लिया। क्या आपको मरना याद नहीं? क्या आपके बीवी बच्चे नहीं? क्या आपको खुदा का इंसाफ याद नहीं कि क्या होगा क्या नहीं? खैर, मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने अपील की है कि कानून हमारा साथ दे, हमें मेरिट पर तफ्तीश करने दें और मुकम्मल तौर पर अगर कोई गुनाहगार है तो उसको गिल्टी करार दिया जाए। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को सुन के। मैंने अभी सुना कि उसने 50,000 रुपये ले भी लिए हैं। खैर, अल्लाह जो आपने 50,000 लिए हैं अल्लाह आपके किसी अच्छे काम में लगवाए। मेरे साथ ये छोटा सा एक बच्चा भी मौजूद है, इनकी जाने भी चलेंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, बड़ा प्यारा नाम है आपका बेटा। अच्छा, दादी के साथ आपका बड़ा प्यार था। दादी आपको पैसे देती थी, चिज्जी भी लेके देती थी। अभी बताओ मुझे, दादी की तरह दादी कब्र पे आपने देखा था दादी को? तो फिर आप रोए भी होगे ना। आप जब कब्रिस्तान गए हो अम्मी के साथ और लोगों के साथ है, तो क्या कब्र में से आवाज दी थी अम्मी ने? क्या कहती थी? कुछ भी नहीं, बस आवाजें आई थी। क्या क्या आवाजें आई थी? हादी हादी। तो आपने क्या कहा? कुछ भी नहीं। आपने कहा कि चुप कर जाओ, मुझे अम्मी आवाजें दे रही हैं, मुझे बात तो सुनने दो। अब कब जाओगे आप अम्मा को मिलने? बताओ, अम्मा ने पैसे भी दिए थे मुझे। अम्मा ने पैसे दिए थे? दिए थे। कब्रिस्तान में कितने दिए? कितने दिए थे? 100। अच्छा, अम्मा ने कब्रिस्तान में आपको कब्र में आवाज दे के 100 रुपये भी पकड़ाया था ना? तो फिर आपने वो 100 क्या किया? 100 की चीज ले ली। चीज ले ली। ये छोटा बच्चा है, नादान है बेचारा, इसको इस बात का इलम नहीं है कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन उनकी यादें ता क्यामत रहती हैं। मेरे साथ यहाँ पर उनका एक और बेटा भी मौजूद है, उनकी जाने भी चलेंगे। भाई आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मुलजम गिरफ्तार हो गया, मैं चाहता हूँ कि मुझे थानेदार के मतलब थोड़ी सी बात बताएं कि थानेदार के साथ क्या गुफ्तगू हुई थी। थानेदार ने हमें बड़ी तसल्ली से जी कहा कि ये इसकी सजा है, तो सजा जो उसने 302 की है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। वो तो है, वो इंशाल्लाह ताला हम उसे, उन्होंने हमें बहुत तसल्ली और अच्छी बातचीत से बताया कि भी वो इंशाल्लाह ताला उसको सजाए मौत ही होगी, आप इस बात से बेफिक्र हो जाए। ठीक है, तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे उसे सजाए मौत ही हो। होनी चाहिए, तीन तीन कत्ल किए उसने। उसने तीन तीन कत्ल किए हैं, उसने तीन तीन चार चार घर तबाह कर दिए हैं। बस हमारी तो वज़ीरे आज़ा मरियम नवाज़ बीबी से इल्तिजा है कि हमें खुद आप आगे आके इंसाफ दिलवाएं, और जो ये वक़्त हमारे ऊपर गुजर रहा है ये कभी दोबारा किसी के ऊपर ना गुजरे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि
कितने पैसों की डिमांड की थी थानेदार ने? वो तो हमें पेपर वगैरह लिखने की डिमांड में बताया गया है। कह रहा मैंने जिमनी है भरनी है, ये करना है वो करना है। हाँ जी, जिमनी है ये करना है वो करना है, जिमनी है भरनी है, तो वो लाख रुपए की हमें बताया गया है कि लाख रुपए की होगी। तो आप उसे, मैंने कहा अभी तो हमारे पास थोड़े हैं तो हम जो हैं थे वो दे आए। थानेदार का नाम क्या है? डॉक्टर, उनका नाम मेरे अर्शद है। अर्शद सब इंस्पेक्टर है या सही है? सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, अभी 50,000 और देने? तफ्तीशी है उन। हाँ जी, हाँ जी, अभी 50,000 हमने और देने हैं उनको। मेरे साथ यहाँ पर उनका बेटा भी मौजूद था जो अम्मा जी को मर्डर किया गया है शेखुपुरा में। तो मेरे साथ एक बच्ची ऐसी मौजूद है कि जिसको आज भी अपनी वालदा की मौत का यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गई हैं, लेकिन असल हकाइक तो यही है कि दुनिया से जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एमन बेटा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप रो रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा बेटा बताओ मुझे। कुछ नहीं। मामा कहाँ? मामा जन्नत में। मामा जन्नत में चली गई? जब मामा यहाँ से गई थी उधर खाला के पास शेखुपुरे, तुम्हें बता के गई थी? हाँ जी। आप स्कूल थे क्या? घर थे? घर थे। तो मामा क्या कहते थे? बस कुछ नहीं, उन्होंने बस कहा मेरा फोन बैग में रखा और वो भी साथ चली गई एयरपोर्ट पे। आपको कहा कि आप घर रहो? हाँ जी, मुझे कायला के पास छोड़ के गई थी। आपने नहीं कहा मुझे साथ लेके जाओ? नहीं, क्योंकि मेरा फिर दिल घबराता रहा मैं तो आया वहाँ। तो आपके पापा भी आपको साथ मामा जितनी मोहब्बत करते हैं? जी। मामा भी याद आती? जी। मामा की कब्र भी गई? नहीं, जाऊंगी फ्राइडे को। अभी दिल को यकीन नहीं आ रहा कि मामा इस दुनिया में नहीं है ना? मेरे साथ वो बच्ची मौजूद थी जिसकी वालदा को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और शेखुपुरा के इलाके में ही ये कत्ल की वारदातें हुई थी, लेकिन तमाम की तमाम जो कब्रें हैं वो लाहौर मियानी साहब में जो बनाई गई हैं। लेकिन बड़ी लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि थानेदार जो थानेदार बन के दिखाना चाहिए था नहीं बना, इनसे पैसे वसूल करने लगा। बस बड़ी अजीब कहानी है कि अभी भी ऐसे काली वर्दी में भेड़िए घूम रहे हैं जो ना किसी की गमी देखते हैं ना किसी की खुशी देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की डिमांड करते हैं कि हमें पैसे दे दो, चाहे वो किसी की शादी है, चाहे वो किसी की मरग है, चाहे किसी का अच्छा है, चाहे किसी का बुरा। मैं अपने नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में आप कमेंट्स भी कीजिए कि जिस घर के अंदर तीन तीन मौतें हुई हों, कत्ल हुए हों, ये छोटी सी बच्ची देख सकते हैं ईमन, इसकी वालदा चली गई, मेरे ये साइड पर बैठे मेरे भाई, इनकी वालदा चली गई, और एक जो है वो मेरी बहन जो कि किरण जिसका नाम था, उसके 5 बच्चे हैं, एक घर खानदान जो है वो बर्बाद होकर रह गया। घर की बात भी नहीं है, एक ख़ानदान, इसकी वालदा अलग रहती थी, इसकी अम्मी अलग रहती थी, और वो बेचारी जो नाहक कत्ल हुई हैं वो भी अलग रहती थी। लड़ाइयाँ घरों में हो जाती हैं, सुलह सफाइयाँ भी हो जाती हैं। आप बेटा मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए, उसने 4 कत्ल किया है ना, मेरी खाला का फिर से एक बेटी होने वाली थी। हाँ, वो, उसकी माँ, उसकी 2 बहनें, बस मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, आपको इस वक्त वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ देख रही हैं, क्या कहेंगे? बस हमें तो इंसाफ चाहिए, आप जहाँ से मर्जी ला के दें, इंसाफ चाहिए। वज़ीर-ए-आला साहिबा, बच्ची कह रही है कि ये भी समझ लें कि मरियम नवाज ही है, ये जो बच्ची है ये भी बड़ी समझदार बच्ची है, हर चीज़ को समझती है। उसका बस यही कहना है कि जो नाहक कत्ल हुए हैं उसका इंसाफ चाहिए, जहाँ से मर्जी ला के दें उसका इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ होना भी चाहिए। इंसाफ होगा तो
तो पंजाब के जो लोग हैं वो खुशहाल होंगे। थानों के अंदर अमूमन देखा जाता है गरीब को ज़मीन पर बिठा दिया जाता है, अमीर को कुर्सी दे दी जाती है, अमीर के लिए जूस आ रहा है, खाने आ रहे हैं, लेकिन दूसरा जो गरीब होता है उसको कुर्सी भी नहीं दी जाती। बड़ी ये शरीफ घराना है बेचारा, इनको किसी चीज़ का नहीं पता। इनके घर से तीन खवातीन चली गई हैं। बड़ी उसने दिलखराश बात की है कि मुदई मुकदमा ने कि हमारे घर से तीन तीन माएँ गई हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। एमन की माँ भी चली गई, मेरे पास यहाँ उस बच्चों का नाम लिखा है, इब्रार, रेहान, आयशा, तहरीम और आयजा, इसकी माँ भी चली गई है। दो माएँ तो ये हो गई, तीसरी ये मेरे साथ बैठा है उनका बेटा, उसकी भी माँ चली गई है। ये छोटा बच्चा जो है वो इसकी दादी थी, उसको भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। कौन देगा इन बच्चों का इंसाफ? बच्ची की आंखें बता रही हैं कि बड़ी गमजदा है, बच्ची का चेहरा बता रहा है बड़ी परेशान है। इसकी वालदा तो बेचारी आई थी यहाँ पर अपनी बहन का घर बसाने के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि तीन तीन लाशें वहाँ से लानी पड़ेंगी। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि शेखुपुरा के किसी वडेरे ने इसको वहाँ पर पेश करवाया है और सफ़ेद कलर के कपड़े पहनकर माया वाले जो कातिल है वो मुदई मुकदमा की तरह वहाँ खाने खा रहा है। उसके चेहरे पे कोई मलाल नहीं, उसकी आंखों में कोई ऐसा दुख नहीं, ना ही कोई पछतावा है। तीन लोगों को कत्ल करने के बाद अब वो हवालात में आए, लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि रात को वो हवालात से बाहर निकालकर उसके साथ उसके अजीज़ रिश्तेदारान बहन भाई बाहर गप्पे शप्पे भी मारते हैं, क्योंकि जो तफ्तीशी है जो मुदई मुकदमा से 50,000 ले सकता है तो फिर मुलजम से क्या करता होगा। जिसने मुदई मुकदमा से 50,000 ले लिया और 50,000 की डिमांड कर रहा है तो मुलजम के साथ फिर वो कितना साजबाज होगा। हमें बताया आज मुदई मुकदमा ने भी कि जब हम लोग थाने गए थे तो वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहनकर थाने में वो घूम रहा था पूरा, जिस तरह से कोई बादशाह सलामत होते हैं थाने में वो प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा है। लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल तो नहीं देना चाहिए वज़ीर आला साहब। जो वहाँ के राणा तनवीर साहब हैं मिनिस्टर, उनको भी चाहिए कि अपने इजला के अंदर जो जुल्म करता है उस जालिम को सज़ा दिलवाएं। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और भी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस तरह से एमन ने भी बताया कि हमें इंसाफ चाहिए, तो जो लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला उनसे उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ख़ासकर इसको कानून के मुताबिक बच्चों का कहना कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, मुदई मुकदमा का भी कहना है कि इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक़्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।